तब मैं सिर्फ 16 साल का था। जयसूस फ्राइड चिकन में? मेरे माँ बाप फ्राइड चिकन बेचते थे, गैंगजी वही काम करता था और हमारे साथ ही रहता था। मैं एक साल बड़ा हूँ लेकिन हम बराबर वालों की ही तरह रहते थे। सारे लेग पीस को तुम्हें दे देता था। और मैं भी सिर्फ वही खाता हूँ। मैं जलता था, चाहता था मेरा भी गैंगजी जैसा छोटा भाई हो। तो एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे भी भाई समझ, लेकिन वो बोला कि मुझे एक और भाई नहीं चाहिए। मैं उसका सगा बड़ा भाई हूँ। और तभी मुझे एहसास हुआ कि अरे हाँ, इसे एक और भाई की नहीं बल्कि एक दोस्त की जरूरत है। मुझे भी एक दोस्त की जरूरत है। टेस्टी है। शायद मुझे खाने की जरूरत थी, दवा की नहीं। खाने के बाद मेरा अंदर का जानवर जाग रहा है, अब मुझे नॉर्मल फील हो रहा है। ये भी पका नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी गर्मी से पक जाएगा। जितना भी खा लूं हमेशा भूखी ही रहती हूँ, जैसे मैं कोई अंधा कुआ हूं। लगता है खा खाकर पागल ही हो जाऊंगी। I'm sorry. मैं उस दिन बकवास कर रहा था। सच ही बोल रहे थे तुम? नहीं, तुम कोई पागल नहीं हो। तो क्या हूं मैं? तुम एक ठग हो। खा लो, जल जाएगा। तुम तो ये जानते ही हो कि मैं हमेशा सिर्फ चिकन बेचता था, और वो भी ड्रमस्टिक्स या चिकन टंगड़ी कबाब। तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? चिकन का सिर, तुमने वो हिस्सा कभी नहीं बेचा। चिकन का सिर। सही कहा, चिकन का सिर कोई नहीं लेता। वही तो। पता है, मुझे चिकन नहीं बेचना था, मैं तो उससे पक चुका था। लेकिन यही ऐसा बिजनेस था जो तुरंत शुरू और बंद हो जाता था। मुझे पता था मेरा दोस्त कभी भी कोई शहर छोड़ सकता, तो मैं चिकन ही बेचता रहा। इस बार मुझे लगा कि ऐसा नहीं होगा, लगा कि हमेशा इसी शहर में रहेगा। इसलिए मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए और लोन भी ले लिया, ताकि मैं कोई और बिजनेस शुरू कर सकूं। चिकन बेचना बंद कर दिया, लेकिन वो मुझे छोड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे वो पागल कोमुनियों अपने 15 साल पुराने दोस्त से ज्यादा प्यारी है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। वो मेरे लिए गया है। गैंग जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहां रहने गया, यही बात है और कुछ नहीं। हाँ। गैंग जी पर